बैद्यनाथ धाम रे मोदीक बोलबम। बैद्यनाथ धाम रे पूजार्चना करिबारे प्रथम प्रधानमंत्री झारखंड को देले बड़ उपहार। पूरा हेला देवघर विमान बंदर स्वप्न, झारखंड विकास यात्रा आरंभ। देवघर रे 16,000 कोटी टंकारु अधिक मूल्य विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन करिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एठारे नूतन भावे निर्मित देवघर विमान बंदर एवं एम्स रो उद्घाटन करने सह विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती। नूतन विमान बंदर एहि अंचल रे सामाजिक अर्थनीति सुधारिबा सहित वाणिज्य एवं संजोग को सुदृढ़ करिवो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। देवघर रु झारखंड विकास यात्रा को आरंभ करिवार सौभाग्य मिलिबा अत्यंत आनंदर विषय बोली संबोधन रे कहिछंती प्रधानमंत्री। आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बाबा बैद्यनाथ का मंदिर को जाई दर्शन करिछंती और पूजार्चना करिछंती। बाबा धाम विकास और लक्ष लक्ष श्रद्धालु बाबा दर्शन करार अभिलाषा पूरण करने दिगरे सरकार पदक्षेप नहीं। प्रत वर्ष प्राय 5,00,000 यात्री देवघर विमान बंदर रु जापारे। सहित पूरा देशर बाबा भक्त मैंने सुविधा आसीपारे। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद, श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। मुझे भी कुछ पहले समय पहले बाबा धाम पूज्य बाबा के चरणों में जाके दर्शन पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। यही अवसर रे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का व्यतीत झारखंड राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे। झारखंड देवघर बिहार राजधानी पटना गस्त कर प्रधानमंत्री। बिहार राजधानी पटना रे विधानसभा कॉम्प्लेक्स निर्माण 100 वर्ष पूर्ति अवसर आयोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री अंशग्रहण करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।